मनगाई डायन के विरोध में बन रही देवरी। कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने अपने समर्थकों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से आम जनता का बिगड़ा घर का बजट। नगर में समस्त दुकानें और प्रतिष्ठान रहे बंद। प्रदेश भर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं अन्य आवश्यक वस्तु के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर सागर जिले की देवरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक हर्ष यादव ने ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ देवरी नगर की मुख्य मार्गों और चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद बाइक पर नगर भ्रमण कर सुबह से ही नगर की दुकानदारों और व्यापारियों से अपनी अपनी दुकान व प्रतिष्ठानों को बंद करने की अपील की। इसी दौरान कांग्रेस द्वारा नगर बंद के आयोजन को नगर के दुकानदारों एवं व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन करते हुए सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। महंगाई की मार से त्रस्त जनता ने अपना पूर्ण समर्थन देते हुए देवरी बंद के आयोजन को सफल बनाया। इसी दौरान विधायक हर्ष यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में जनता से अच्छे दिन लाएंगे का वायदा किया था, लेकिन उनके वादे और अच्छे दिनों को देश और प्रदेश की जनता देख रही है। अच्छे दिन की बात करने वाले मोदी जी आज पूरा देश बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। देश और प्रदेश में महिलाओं पर, बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस जैसी अति आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के चलते आम आदमी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल एडवोकेट जगदीश सोनी ने बताया कि जब आज कांग्रेस पार्टी द्वारा बंद का आयोजन किया गया है, महंगाई के दौर को लेकर आपका इसमें क्या मत है, क्या विचार है? ये है कि जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि देवरी नगर 100% बंद है, और 100% बंद होने का कारण ये है कि जनता के बीच में खुद इस बात को लेके पीड़ा है। उन लोगों के लिए भी समझ में आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है 100 रुपया लीटर, 101 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। और आज हर वस्तु के भाव, खाद्यान्न पदार्थों के भाव बढ़े हुए हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आज लगभग 150 रुपया लीटर मीठा तेल हो गया है, क्या गरीब आदमी की इतनी औकात है? आज किसानों की जो दुर्दशा है, जो किसानों के जो उत्पाद मूल्य है, जब किसान का उत्पाद बाजार में आता है तो भाव बेहद नीचे आ जाते, और जब वो ही है तो व्यापारी की गोदाम में पहुंचता है तो कई गुने उसके खाद्यान्न पदार्थों के, अनाजों के दाम बढ़ जाते, तो जनता में त्राही त्राही की स्थिति तो निर्मित बनी। देवरी विधायक हर्ष यादव ने कहना है कि विधायक जी, क्या कारण है आपके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन रैली और आज बंद का आयोजन किया जा रहा है? क्या भाजपा के अच्छे दिन कांग्रेस को अच्छे नहीं लगती है? देखिएगा, ये तो आम जनता कह रही है कि अच्छे दिन की बात करने वाले मोदी जी पूरा देश बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर, और सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जान चुकी है, चेहरा समझ चुकी है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आज व्यापक समर्थन, जन समर्थन व्यापारी भाइयों का, सभी साथियों का मिला है, चाहे वो छोटा कर्मचारी व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, सब वर्ग के लोगों ने आज इस बंद में समर्थन दिया है। और निश्चित रूप से जिस तरह की बातें लोकसभा चुनाव में 2014 में 19 में मोदी जी ने कही थी, देश नहीं बिकने दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर वर्ग का व्यक्ति आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये महसूस कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे हित की कोई कल्याणकारी योजना लागू होने वाली नहीं है। जैसे भाई, जब कृषि कानून बिलों की बात करें तो भाजपा सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, वापस लेने के लिए वो लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, इसमें आगे क्या रणनीति रहेगी? इतना जोर का तमाचा पंजाब के किसानों ने और नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में मारा है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, उसकी गूंज अनुगूंज पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में सुनाई दे रही है, और आने वाले समय में अन्नदाता के सामने। मून स्टार न्यूज 24 के लिए देवरी से मुबीन खान की रिपोर्ट।